जिले के बनारस स्टेट स्थित एनबीएस एवं वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी की जिला कार्य समिति की संयुक्त बैठक संपन्न हुई है, जिसमें नव नियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नव नियुक्त जिला अध्यक्ष आदर्श कुमार पिंटू ने किया एवं संचालन जिला प्रवक्ता भारतेंदु पाठक ने किया। इस कार्यक्रम में जिला के आदेश अनुसार कमेटी को भंग किया गया है तथा नए सिरे से सभी अध्यक्ष अपनी अपनी टीम का गठन करेंगे। इस कार्यक्रम के मौके पर एनबीएस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष शिवानंद बम्बम, महिला जिला अध्यक्ष पुष्पा सहनी, जिला अध्यक्ष दीपक सहनी, जिला पार्षद प्रियंका सहित इत्यादि लोग मौजूद थे। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। ब्लॉक बूथ लेवल तक संगठन को हम मजबूत करेंगे और ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं तन मन धन से अपने पार्टी को सींचूं और एनडीए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जो नीचे स्तर तक जो कमजोर वंचित लोग हैं जिनके तक नहीं पहुंच पाती है बात, उनको सरकार का कार्यक्रम वहां तक पहुंचे, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता होगी कि निचले स्तर तक सरकार की योजना वहां पहुंचे और बिना किसी संगठन बना हुआ था वो अभी भंग कर दिया गया है और अब फिर एक महीने के अंदर पूरा फिर से संगठन का विस्तार किया जाएगा और हम ब्लॉक हर ब्लॉक में जाकर और इसका विस्तार करने गए हैं। संस्था अभियान तो भी आपके विशेष हो गए हैं? बिल्कुल, इसका पहले संगठन बना ले उसके बाद संस्था अभियान दूसरा चरण में संस्था अभियान पर भेज दिया जाएगा। एनबीएस के लिए कहना यही है जो अब तक जो चला एनबीएस के कारण ही आज मुकेश सहनी मंत्री बने चाहे जो कुछ भी पार्टी आगे बढ़ा रीढ़ है एनबीएस। हम उस चीज को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे और रही बात पुराना जो एनबीएस का संगठन था वो तो है ही, इसको नया बदलाव लाने की कोशिश है। इस कोशिश को हमारे ऊपर मंत्री जी भरोसा करके मुझे सौंपे हैं, उसको कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाएं। सभी बिहार वासियों को, समस्तीपुर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। धन्यवाद। आज कार्यक्रम है हम लोग का नवनियुक्त जो हमारे जिला अध्यक्ष हुए हैं आदर्श कुमार पिंटू जी, उनको सारे एनबीएस और वीआईपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है और एनबीएस के भी जिला अध्यक्ष हमारे नवनियुक्त हुए हैं जितेंद्र चौधरी जी, इनको भी हम लोग आज सम्मानित किए हैं और ये तो पदाधिकारी सब जो भी हैं हमारे पाठक जी हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। पहले तो मैं जो नए जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के आदर्श पार्टी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ एवं निषाद विकास सिंह के जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जो नए पद पे गठित हुए हैं तो पार्टी को जड़ से मजबूत करें और पार्टी को आगे तक ले जाए और पार्टी में जितनी भी कमियाँ हैं उन सबको दूर करें, मैं यही आशा करती हूँ। क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमारी, महिला जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी समस्ती। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।